बसमिल्लाम चैप्टर नंबर टू पढ़ रहे हैं और जिसका नाम है सेट्स फंक्शंस एंड ग्रुप्स और इस लेक्चर में हम आ, वीन डायग्राम्स को पढ़ेंगे कि वीन डायग्राम्स होती क्या हैं किस लिए यूज़ होती हैं ठीक है ठेके? वीन डायग्राम्स अच्छा वीन डायग्राम्स के बारे में थोड़ा सा बताते चलूँ कि विन डायग्राम्स क्या होती हैं सेट्स को विजुअली देखने के लिए या फिर सेट्स का विजुअल कॉन्सेप्ट समझने के लिए और आ, सेट्स के दरमियान डिफरेंट सेट्स के दरमियान रिलेशनशिप को विजुअली समझने के लिए उनके कॉन्सेप्ट्स को देखने के लिए वीन डायग्राम्स यूज़ की जाती हैं ठीक है ठेके? उसके अलावा वीन डायग्राम्स के बारे में और बताते चलूँ कि ये डिस्कवर किसने की थी ठीक है ये आइडिया किसने दिया था विन डायग्राम्स को यूज़ करने का एक इंग्लिश लॉजिशियन और मैथमेटिशियन था जिसका नाम जौन विन था ठीक है उसने ये मेथड यूज़ करना शुरू किया उसने इन्वेंट किया ठीक है इस चीज़ को तो आ, तब से ये विन डाइग्राम्स जो हैं वो हम यूज़ करते हैं सेट्स को विजुअली समझने के लिए कि और उनके दरम्या में रिलेशनशिप्स को समझने के लिए कि डिफ़रेंट सेट्स के दरम्यान में क्या रिलेशनशिप है अच्छा और आज हम विन डायग्राम्स को यूज़ करेंगे सेट्स का विजुअल कॉन्सेप्ट समझने के लिए अच्छा अब हम देख लेते हैं कि वीन डायग्राम्स में हम आ, डिफरेंट सेट्स को किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं एक यूनिवर्सल सेट जो होता है उसको हम सुअर से जो है वो शो करते हैं ठीक है सुयर हो गया या रेक्टेंगल बना लें आप ठीक है तो इस तरह से ये यूनिवर्सल सेट होगा इसके अंदर मैं यू भी लिख देता हूँ ये डिनोट कर रहा होगा ये यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है उसके अलावा बाकी जो सेट्स होते हैं यूनिवर्सल सेट के अलावा ए सेट बी सेट या जो भी नाम होगा वो तो डिफरेंट होंगे नाम ठीक है उसको हम सर्कल से रिप्रेजेंट करते हैं ठीक है तो बाक़ी सब जो सेट्स होते हैं वो यूनिवर्सल सेट के सब सेट्स होते हैं मतलब के सब के सब एलिमेंट्स उसमें लाइक करे होते हैं इस वजह से यूनिवर्सल सेट के अंदर ही हम उनको ड्रॉ करते हैं जिस तरह से लेट्स सपोज अगर मैं ए सेट कहता हूँ और वो सेट लाए कर रहा होगा यूनिवर्सल सेट के अंदर ठीक है इस तरह से वो ये सेट होगा तो ये प्रेजेंटेशन होती है रिप्रेजेंटेशन होती है वीन डायग्राम्स की अच्छा अब हम ऐसा करते हैं कि दो सेट्स मैं ले लेता हूँ और हम चेक करते हैं किस तरह से उसको रिप्रेजेंट करेंगे विन डायग्राम से लेट्स सपोज एक मेरे पास यूनिवर्सल सेट है इज इक्वल टू वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन ये मेरे पास यूनिवर्सल सेट है मेरे पास ए सेट जो है वो ऑब्वियस ही बात है वो यूनिवर्सल सेट का कोई ना कोई सबसेट होगा ठीक है मैं ले लेता हूँ जी के थ्री फोर फाइव ये ए सेट है ठीक है उसके अलावा बी सेट मैं ले लेता हूँ बी सेट है सिक्स नाइन टेन ये बी सेट हो गया ठीक है अब मैंने इनको शो करना है एक वीन डायग्राम के थ्रू ठीक है सबसे पहले मैं यूनिवर्सल सेट को ड्रा करूँगा हमने ये नहीं देखना कि कौन कि क्या एलिमेंट्स हैं उसके ठीक है हमने सिंपल उसको स्क्वेयर से प्रेजेंट कर देना है मैं एक स्क्र बना लेता हूँ ये लेट सपोज एक है या रेक्टेंगुलर बना लें आप तो मैं इसको एक्जैक्टली exactly स्क्वायर बना देता हूँ इसको मैं चेंज कर देता हूँ स्क्वायर में ये बन गया स्क्वायर ठीक है ये हमारा जो रेक्टेंगल है या स्क्वायर ये हमें यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है तो मैं इसके साथ यू लिख देता हूँ यहाँ पे ठीक है ये यू हो गया यूनिवर्सल सेट अब ए सेट जो है देखें उसके वो जो है वो यूनिवर्सल सेट का सबसेट है मतलब कि उसके अंदर लाइक करेगा तो हम उसको ड्रॉ कर देते हैं अंदर उसके अंदर ठीक है तो बाकी सेट्स मैंने पहले भी बताया था कि हम किससे डिनोट करे होते हैं या प्रजेंट कर होते हैं सर्कल्स के साथ ठीक है सिर्फ यूनिवर्सल सेट जो है वो होगा स्क्यर या रेक्टेंगुलर की फॉर्म में तो इसको मैं एग्जैक्टली ए यहाँ पर लिख देता हूँ ठीक है ये ए सेट हो गया उसके बाद बी सेट आप अगर देखें ए और बी के दरमियान में क्या रिलेशन है देखिए ये इसके एलिमेंट्स हैं थ्री फोर फाइव इसके एलिमेंट्स हैं सिक्स नाइन टेन होगा बी भी यू के अंदर यूनिवर्सल सेट के अंदर क्योंकि ये भी इसका सबसेट है क्योंकि इसके सारे एलिमेंट्स जो हैं वो इसके अंदर लाए करें सिक्स सेवन सिक्स नाइन टेन ठीक है इसको रहने दे तो होगा ये भी इसके अंदर लेकिन ए के साथ होगा ओवरलैप कर रहा होगा बिल्कुल अलहदा होगा या बिल्कुल ए के अंदर होगा या किस तरह से कहाँ पर लाए कर रहा होगा वो इनके एलिमेंट्स पर डिपेंड कर रहा होगा देखें ये थ्री फोर फाइव है ये सिक्स नाइन टेन है इन दोनों के दिन मैंने इंटरसेक्शन लें कोई भी एक कॉमन एलिमेंट आता है नहीं आता ठीक है तो मतलब कि ये दोनों डिस सेट्स हैं डिस सेट्स क्या होते हैं बिल्कुल एक दूसरे से अलग होते हैं ठीक है तो मतलब कि मैं अलीहदा से इसको ड्रा कर देता हूँ यू के अंदर ए से दूर ठीक है तो फिर ये इस तरह से दोनों सेट्स मैंने बना दिए सेट और बी सेट यू यूनिवर्सल सेट के अंदर ठीक है अब देखें कि अब अगर मैं बात करता हूँ इनको मैं शेड करके हम इसमें कुछ डिफरेंस देख लेते हैं अगर मैंने ए यूनियन बी फाइंड करना है ए यूनियन बी किसके इक्वल होगा थ्री फोर फाइव सिक्स नाइन टेन मतलब के ए सेट के एलिमेंट्स और बी सेट के एलिमेंट्स कंबाइन होकर इधर आ जाएंगे एक सेट बना देंगे तो विन डायग्राम में इस, इसको हम किस तरह से शो करते हैं यूनियन बी को हम ए को भी शेड कर देते हैं ए के एलिमेंट्स भी आ गए ठीक है और उसके साथ साथ बी को भी शेड कर देते हैं तो जो शेडड रीजन बन रहा है ग्रीन शेडड रीजन वो ए यूनियन बी को रिप्रेजेंट कर रहा है ठीक है तो इसी तरह से अब हम बात करते हैं एक और केस की मैं दोबारा से एक यूनिवर्सल सेट बनाता हूँ हो गया यूनिवर्सल सेट ठीक है उसी मैं यू ए और बी को मैं प्रेजेंट कर रहा हूं ड्रा कर रहा हूं ठीक है अब इस केस में मैं ये करता हूं कि यू सेट जो है वो ले लेता हूं वन टू थ्री फोर फाइव ठीक है और ए uh, सेट मैं ले, ले लेता हूं वन टू थ्री और बी सेट में ले लेता हूं थ्री फोर फाइव ठीक है ए जो है वो भी सबसेट है यू का बी जो है वो भी सबसेट है यू का ठीक है होना भी चाहिए क्योंकि यूनिवर्सल सेट का मक, मकसद ही यही होता है कि बाकी सारे सेट्स उसके सबसेट्स होते हैं ठीक है अब आ, यू सेट तो मैंने ड्रा कर दिया उसके बाद ए सेट उसके अंदर लाई करेगा तो वो भी मैं ड्रा कर देता हूँ ये ए सेट आ गया उसके अलावा बी सेट को अगर आप देखें ए और बी के दरमियान रिलेशन क्या है इसमें ए में थ्री है और बी में भी थ्री है ये दोनों में कॉमन आ रहा है एक एलिमेंट कॉमन आ रहा है ठीक है ना बी ए का सबसेट है ना ए बी का सबसेट है लेकिन एक एलिमेंट इनमें कॉमन आ रहा है इंटरसेक्शन इनका थ्री आ रहा है तो ये दोनों आपस में कौन से सेट्स होंगे डिस्चार्ज नहीं है बल्कि ओवरलैपिंग है तो इनको एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करवा देते हैं ठीक है तो ये बन गया ओवरलैपिंग इस तरह से ड्रॉ किया पिछले केस में हमने क्या किया था डिसंट सेट से ठीक है डिस जॉइंट्स को हमने बिल्कुल अलहदा अलहदा ड्रॉ किया था बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप नहीं कर रहा था ठीक है एक दूसरे से दूर हमने ड्रॉ किया था लेकिन यू के अंदर ही तो अब भी यू के अंदर ही हैं लेकिन एक दूसरे के ऊपर कर रहे हैं और भी अब इसमें मैंने शो करना हो यूनियन तो किस तरह करूँगा ए यूनियन बी तो ए को भी मैं शेड कर दूंगा ठीक है और बी को भी मैं शेड कर दूंगा ये बन जाता है ए यूनियन बी अच्छा उसके बाद हम एक और केस देखते हैं कि दोबारा से मैं ड्रॉ कर लेता हूँ ये मैं ड्रा कर रहा हूँ यू सेट यूनिवर्सल सेट उसके अलावा यू सेट मैं लिख भी देता हूँ यू इज़ इक्वल टू वन टू थ्री फोर फाइव है और ए uh, सेट हम ले लेते हैं वन टू और बी सेट हम ले लेते हैं वन टू फोर फाइव ठीक है तो ये हमारे पास सेट्स आ गए हैं ठीक है अब यहाँ पर देखें ए जो है वो यू का सबसेट है ठीक है होना भी चाहिए क्योंकि यू जो है यूनिवर्सल सेट है और बी जो है वो भी यू का सबसेट है उसके अलावा ए और बी में क्या रिलेशन है ए के सारे एलिमेंट जो है वो बी में लाई कर रहे हैं मतलब कि ए सबसेट है बी का यू का भी सबसेट है और बी का भी सबसेट है तो सबसेट का मतलब उसके अंदर लाई करना होता है ठीक है डायग्राम में तो ये यू सेट है उसके अलावा बी सेट में आप पहले ड्रा करता हूँ ये हो गया बी सेट ठीक है तो अब हमने बात की थी कि ए जो है वो सबसेट है बी का ठीक है मतलब कि बी के अंदर उसको लाइक करना चाहिए तो हम बना लेते हैं इसी के अंदर सर्कल से ही मैं डिनोट करूँगा लेकिन उसके बी सेट के अंदर यह आ गया हमारे पास प्रेजेंटेशन इन वेन डायग्राम ठीक है इस सेट्स की इस तरह से हम देख रहे होते हैं कि ए और बी में रिलेशन क्या है पहले तो ये हम देख बना लेते हैं एक यूनिवर्सल सेट स्क्वेयर में या रेक्टेंगुलर फॉर्म में ठीक है उसके बाद हम ए और बी बाकी जितने भी सेट्स हमें गिवन होते हैं उनको हम देख लेते हैं उनके दरमियान में आपस में क्या रिलेशन है बनाते हैं हम यू के अंदर हैं लेकिन ए और बी किस तरह से लाइक like करेंगे एक दूसरे के साथ ओवरलैप कर रहे होंगे या बिल्कुल अलीहदा होंगे या फिर एक दूसरे के अंदर होंगे या बिल्कुल ऊपर उप, ओवरलैप कर रहे होंगे ठीक है ये हम देख रहे होते हैं उनके एलिमेंट्स के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है ये सब कुछ तो ये तो हो गया इज द सबसेट ऑफ बी केस ऑफ बी अगर ये बी है तो इसी को मैं थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ इसको बी सेट बना देते हैं और इसको ए सेट बना देते हैं इस केस में हम वेन डायग्राम किस तरह से बनाएंगे अब क्या है बी जो है वो सबसेट है ए का इस तरह से आएगा ठीक है बी इज द सबसेट ऑफ ए ठीक है क्योंकि बी के सारे एलिमेंट्स जो है वो ए में लाइक कर रहे हैं तो इस केस में ए के अंदर बी लाइक करेगा ठीक है मतलब कि यहाँ पर पहले ए सेट आएगा और उसके अंदर बी लाइक कर रहा होगा इस तरह से और अब इनका यूनियन की बात करते हैं यूनियन किस तरह से होगा मैं हाईलाइट कर देता हूँ यूनियन जो है ए सेट भी आएगा ठीक है ए सेट को भी हाईलाइट करेंगे उसके अलावा बी सेट को भी हाईलाइट कर देंगे तो ये हमारे पास विन डायग्राम में ए यूनियन बी को रिप्रेजेंट कर रहा होगा ठीक है इस तरह से अच्छा अब एक और हम आ, इंटरसेक्शन की अब बात करते हैं हम ठीक है हमने यूनियन अब देख लिया उसके अलावा डायग्राम्स में रिप्रेजेंटेशन देख लिया लेकिन अब हम इंटरसेक्शन की बात करेंगे इंटरसेक्शन किस तरह से हम फाइंड कर सकते हैं इसका देखें अगर मैं कहता हूं कि ए इंटरसेक्शन बी जो हमारे पास सेट्स गिवन हैं यू ए और बी ठीक है उनका इंटरसेक्शन हम लें तो क्या आता है वो एम सेट है ठीक है मतलब कोई ऐसा एलिमेंट नहीं है जो कि इन दोनों में कॉमन आ रहा हो क्योंकि डायग्राम से भी आप देखें तो ये एक दूसरे से दूर हैं कोई भी इनमें कॉमन है नहीं है अगर कॉमन होता है तो ये एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर रहे होते हैं ठीक है ठीके? तो अब इसमें हाईलाइट हम किसको करेंगे किसी को भी नहीं ठीक है ये हाईलाइट मैं हटा देता हूँ अब ये शो कर रहा होगा किसको? ये इंटरसेक्शन को शो करेगा एम टी सेट मतलब कोई हाईलाइटेड नहीं है तो ये हो गया इंटरसेक्शन अब हम आ, जो नेक्स्ट हमने देखा था इसमें ये ये सेट यू है वन टू थ्री फोर फाइव ए ये है बी ये है तो इस केस में देखें कॉमन आ रहा है ठीक है इंटरसेक्शन ए और बी का क्या इसमें बनेगा इंटरसेक्शन देखें थ्री कॉमन आ रहा है दोनों में तो थ्री जो है वो इंटरसेक्शन बनता है ठीक है तो मतलब कि कोई ना कोई रीजन होना चाहिए शेडिड जो इंटरसेक्शन को शो करे ठीक है तो अब मैं ऐसा करता हूँ कि इसकी हाईलाइट जो मैंने मैंने किया हुआ है उसको हम ख़त्म कर देते हैं मैं दोबारा से बना देता हूँ ये ए था ये बी था ओके तो थोड़ा सा हम इसको ओवरलैप करवा देते हैं ताकि रीजन सही तरह से हम देख सकें अच्छा अब इसमें मैं हाईलाइट करूंगा। कौन सा रीजन बी का या ए का हमने इंटरसेक्शन की बात करें। इंटरसेक्शन में कॉमन होता है यानी कि जो रीजन ओवरलैप कर रहे हैं उसको हम हाईलाइट करते हैं तो वो इंटरसेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा होगा ठीक है तो ये हो गया इंटरसेक्शन का रीजन ग्रीन वाला तो विन डायग्राम में इस तरह से हम इसको इंटरसेक्शन को शो करेंगे अब हम नेक्स्ट में देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल हमने देखी थी कि एक सेट दूसरे का बीस सब सेट था ठीक है तो उसमें हमने ओवरलैप किया था बल्कि उसको हमने उसके अंदर ड्रा किया था ठीक है उसको मैं तो ड्रा कर लेता हूँ इसको हाईलाइट को मैं हटा देता हूँ ताकि ठीक तरह से हम उसको देख सकें कौन सा रीजन बनेगा ठीक है तो ये बाहर जो था वो बी सेट था क्योंकि B इज़ द सबसेट ऑफ A है तो मतलब के B A के अंदर लाई करेगा ठीक है तो ये A सेट बाहर होगा ये A सेट हो गया उसके अंदर B लाइ कर रहा होगा B सेट ये इस तरह से B इज द सबसेट ऑफ A है ठीक है अगर A सबसेट होता B का तो हम A को अंदर ड्रा करते और B को बाहर ड्रा करते ठीक है अब इन दोनों में हमने यूनियन देखा था दोनों को मैंने हाईलाइट कर दिया तो वो यूनियन बन गया लेकिन अब हम देखते हैं कि इनका इंटरसेक्शन किस तरह से आएगा इंटरसेक्शन निकाल के देख लेते हैं सेट से भी ताकि सही तरह से क्लियर हो जाए तो ए इंटरसेक्शन बी या बी इंटरसेक्शन ए ए की उसका आंसर आएगा तो उसमें क्या होगा कि इन दोनों में कौन से जो है वो एलिमेंट्स कॉमन आ रहे हैं वन टू दोनों में आ रहे हैं ठीक है वन और टू एलिमेंट्स ऐसे हैं जो कि दोनों में कॉमन आ रहे हैं और ए इंटरसेक्शन बी का रिजल्ट ये आया जो कि बी के इक्वल है मतलब के बी वाला हम सिर्फ जो है वो हाईलाइट करेंगे बी वाला सेट ठीक है बी वाले सेट को मैंने हाईलाइट कर दिया तो हमारे पास इंटरसेक्शन का रिजल्ट आ गया ठीक है तो अगर वैसे भी देखें इन दोनों में कॉमन रीजन क्या आ रहा है बी जो है वो ए के अंदर लाइक रहा है तो लाजमी बात है कि बी का ही रीजन सिर्फ आएगा जो कि कॉमन है इन दोनों में ठीक है तो इस तरह से हम इंटरसेक्शन को देखते हैं इसी तरह से अगर ए जो है वो सबसेट होता है तो उसको भी देख लेते हैं एक दफ़ा कि इस साइन को चेंज करना पड़ेगा ए इज़ द सबसेट ऑफ बी तो विन डायग्राम में क्या होगा ए जगह बी आ जाएगा और बी जगह ए आ जाएगा ठीक है यहाँ पर ये इसको हम बी कह देंगे और इसको हम ए कह देंगे ये ए हो जाएगा ठीक है इस तरह से उसकी रिप्रेजेंटेशन आ जाएगी और उनका आपस में कॉमन जो है इंटरसेक्शन जो है वो फिर ए आ जाएगा ये ए बी हो जाएगा और ये इक्वल टू ए आ जाएगा अब हम कॉम्प्लीमेंट को भी देख लेते हैं कॉम्प्लीमेंट में को किस तरह से हम शो करते हैं ठीक है तो एक हम यूनिवर्सल सेट लेंगे वन टू थ्री फोर फाइव लाजमी नहीं है ये सेट हो ये इस मैं एग्जांपल के तौर पे ये ले रहा हूँ यूनिवर्सल सेट ठीक है तो एक ए सेट मैं ले, ले लेता हूँ जो कि इसका सबसेट होगा थ्री फोर ले लेते हैं ठीक है अब इसको हम विन डायग्राम से शो करते हैं एक यूनिवर्सल सेट के लिए मैं क्या करूँगा एक रेक्टेंगुलर या स्क्वायर रीजन बना लूँगा ड्रॉ कर लूँगा ठीक है ये मैंने बना दिया जो कि यू यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है उसके बाद ए सेट जो है वो इसके अंदर लाई कर रहा होगा लेट्स सपोज जिस तरह से ये मैंने ड्रा कर दिया ये ए है ठीक है अब हमने क्या करना है कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं ठीक है तो ए कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल होता है यू माइनस ए के ठीक है मतलब कि यू में से ए का रीजन निकाल दो तो हमारे पास क्या आता है कॉम्प्लीमेंट आ जाता है मतलब कि ये वाला ए का रीजन निकाल दो बाकी शेड कर दो तो हमारे पास ए का कॉम्प्लीमेंट बन जाएगा ये मैंने ड्रॉ कर दिया ठीक है इस तरह से आ जाएगा ए का रीजन को छोड़ देते हैं और बाकी रीजन हाईलाइट कर देता हूँ मैं इस तरह से विन डायग्राम में हम कॉम्प्लीमेंट को शो कर सकते हैं ये आ गया जो ग्रीन शेडेड रीजन है ठीक है थोड़ा बहुत रह जाता है बीच में से वो उसको मैं कवर कर देता हूँ थोड़ा बहुत ये होगा हमारा कॉम्प्लीमेंट ए कॉम्प्लीमेंट ठीक है तो उसके अलावा अगर हम बात करें कि अब यू माइनस ए सेट में देखें तो क्या होता है U माइनस ए क्या होता है U में से A को निकाल दिया जाए तो हमारे पास क्या बचेगा हमारे पास सेट बनेगा वन टू फाइव मतलब कि यहाँ इस सेट में कोई असाइनमेंट नहीं आ रहा जो कि A में मौजूद हो ठीक है तो ये इस तरह से वेन डायग्राम से भी हमने शो कर दिया और सेट से भी हमने बता दिया किस तरह से है और उसके अलावा अगर हम देखना चाहें कि u इंटरसेक्शन a अगर u यूनियन ए की बात करते हैं यू यूनियन ए ठीक है ये किस तरह से होगा दोनों का यूनियन हो जाएगा मतलब कि सारा का सारा रीजन हम जो है वो शेड कर देंगे इस तरह से ये यू यूनियन ए को शो कर रहा होगा ठीक है क्योंकि इसमें यूनियन में क्या होता है ए का सेट भी इंक्लूड हो जाएगा और साथ में यूनिवर्सल का सेट भी इंक्लूड हो जाएगा सब के सब एलिमेंट्स आ जाएंगे यूनिवर्सल सेट के भी और यू uh, यूनियन वैसे भी इक्वल किसके होगा यू यूनियन ए निकाल के भी देख लेते हैं इज इक्वल टू होगा यू के एलिमेंट्स आ जाएंगे वन टू थ्री फोर फाइव उसके बाद ए के भी एलिमेंट्स आ जाएंगे थ्री फोर जो कि पहले से लिखा हुआ है दोबारा से लिखने की ज़रूरत नहीं है तो ये इक्वल होता है यू के ठीक है तो इसलिए मैंने पूरा का पूरा यू का रीजन जो है वो मैंने शेड कर दिया यूनियन को शो करने के लिए और अगर इंटरसेक्शन की बात करते हैं तो इंटरसेक्शन में क्या होगा इस तरह से ये आ जाएगा यूनिवर्सल सेट इस तरह से ये ए सेट था ठीक है तो इंटरसेक्शन में क्या होगा इन दोनों में क्या चीज़ कॉमन आ रही है कौन सा रीजन कॉमन आ रहा है सिर्फ ये वाला रीजन है ना बाकी तो ए में नहीं आ रहा ठीक है तो ए को हम सिर्फ शेड कर देंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा U इंटरसेक्शन A U इंटरसेक्शन A ठीक है तो ये था विन डायग्राम्स डिफरेंट हमने केसेस देखे कि डिसजॉइंट सेट्स जब हों तो हम किस तरह से ड्रा करते हैं ओवरलैपिंग हों तो किस तरह से ड्रा करते हैं एक दूसरे के सबसेट्स हों तो किस तरह से ड्रा करते हैं ठीक है और उसमें यूनियन और इंटरसेक्शन को हमने देखा किस तरह से शो करते हैं विन डायग्राम्स में तो ये हमारा हेल्पफुल होगा एक्सरसाइज 2.2 सॉल्व करते हुए तो नेक्स्ट लेक्चर से हम एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर वन स्टार्ट करेंगे